करती हूँ। और फिर ये देखें आप अपनी, ये आप अपनी शहनाज़ को देखें अपनी पैकिंग कर रही हैं। अभी वो मेड सारे कपड़े इसरी करके लाई हैं, तय लगा के उसके बाद ये उनको अपने बैग में सेट कर रही हैं, खुद जा रही हैं, हमें उदास कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ये देखें ये बिल्कुल इनके पास आप देख सकते हैं, नीचे जायनमाज भी पड़ा हुआ है, फोल्ड हुआ हुआ। इस कमरे में बड़ी इनकी बरकतें भी थी, इधर ही नमाज पढ़ती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम लोग। तो देखें ऐसे येलो कलर का सूट अब रखा गया है। अच्छा, अभी हमने कोई और भी रखना है? अभी आपने पर्पल सूट रखना है, वो बाहर है। हाँ जी, अभी बैग को खुला रहने दें। आप अपना कॉस्मेटिक वगैरह रख लें, अपने पाउच बना लें। ये देखें ये अपने साथ ना वो कफ सिरप भी लाई थी। शुक्र अल्लाह मियाँ का कि यहाँ पे ऐसा चीज को ज़रूरत नहीं पड़ी। शुक्र अल्लाह मियाँ का आगे भी ना पड़े, जितना इनका इधर पाकिस्तान में क्याम है, खुश खुर्रम रहे। और ये जी इनकी तैयारियाँ देखें, इनकी पैकिंग देखें। वैसे इन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग की है, बड़े अच्छा जो है ना वो पैकिंग करते हैं। गुड गुड, वेरी गुड। उनको देख देख के हम भी कुछ सीख गए हैं। बहुत अच्छे हैं। इतना इसने मुझे इतना कंफर्ट दिया। आपने ऐसी बातें नहीं करनी, मैं नहीं करनी। ये सीखता है बंदा, ये सीख होती है कि जब भी मेहमान आए उसको इतना कंफर्ट दो। बहन भाई मेहमान ही होता है और मेहमान को ऊपर से तो नहीं आने, तो क्योंकि वो खुश होके आपसे जाए, और जब वो खुश होकर जाता है तो अल्लाह पाक खुश होते हैं। हमारे प्यारे नबी अज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जब हम मेहमान को इज्जत देते हैं तो उस वक्त आपके घर में भी बरकतें होती हैं, आप पे भी बरकतें होती हैं। तो व्यूवर्स, आप भी हमेशा जब भी कोई आपके बहन भाई भांजी भतीजी माँ बाप जो भी कोई आए, उनको इतने ससुराली रिश्ते में ये सबसे पहले ज़रूरी है। हमारी कौम में ये जी बात हो गई है बतीन में कि ससुराल को इतना अहमियत नहीं देते। अपने बहन भाई आते हैं तो उसके आगे पीछे फिर रहे हैं, तो आप ससुराल को भी उन रिश्तों को भी उतना ही एहतराम इज्जत रिस्पेक्ट दें, उनको कम्फर्ट दें और वो खुश खुश आपसे जाएँ और सब रिश्ते आबाद रहें। आप पे भी अल्लाह की बरकतें हों और उन पे भी हों। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था, इस सारे कंक्लूजन किया जो मैंने 10-12 दिन जा रही हूँ। अपनी बहन का कंफर्ट देखा है जो उसने मुझे दिया है, मैं उससे बड़ी खुश जा रही हूँ। अल्लाह पाक उससे खुश हो। अल्लाह मियाँ आपको भी ढेरों खुशियाँ दे, सलामत रहें और फिर जल्दी से पाकिस्तान का प्रोग्राम बनाएं और इस्लामाबाद आके हमारे साथ स्टे करें, इंजॉय करें। इंशाल्लाह जी आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे जो कुछ भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। ये देखें अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस वक्त शैना जी ड्रेसर के आगे खड़ी जो है ना बड़ी लिपस्टिक थोप रही हैं और सफर पे जाए तो थोड़े से अच्छे तो लगते हैं, ये ना हो कि बिल्कुल ही भूसे ऊपर बैठे हुए हैं और देखने वाला भी कह रहा है कि ये क्या खातून बैठी है। इसलिए थोड़ी सी लिपस्टिक मैंने कहा लगा लूं। माशाल्लाह वैसे भी प्यारी है, लिपस्टिक कोई ऐसी चीज नहीं है। बच जान जवाब फिर रहा है, बड़ा आराम मुझे दिया है। मैं तो बड़ी जवाब से भी खुश हूँ। थैंक यू जवाब, बहुत शुक्रिया भाई, तूने बड़ा कंफर्ट मुझे दिया, चीज़ें ला ला के मुझे देता रहा है, खिलाता रहा है, फलाता रहा है, बहुत शुक्रिया तेरा बेटा। समझ गया, सिदरा को भी मेरा सलाम प्यार दुआ कहना, ठीक है। चलें अब अनिका जान भी हमारे आगे, पुश्त मैं आपको उनके दिखा रही हूँ। नहीं, नहीं, नहीं,
क्योंकि अभी अनिका इधर देखो बेटा, ये देखो आंखें, आंखें खोल रही है बंद कर रही है, क्योंकि ये सोई थी, लेट सोई है और हम माली उठी है कि खाला जान जा रही है, तो मैं फटाफट इनको छोड़ के आऊंगी, मैं भी साथ जाऊंगी। तो मैं इसे कह रही हूँ फटाफट खुली खुली कर ले, हमने 11 बजे निकल जाना है। तो शुक्र है टाइम पे ये उठ के आ गई है, इंशाल्लाह ताला सारे काम अपने टाइम पे हो रहे हैं इंशाल्लाह। वॉशरूम ऊपर चली, मेरे में चली जा। हाँ जी, हम जाने की तैयारी में हैं इस वक्त। ये देखो मेरी बहन बैठी है, नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रहे आप? और सबसे बड़ी बात है, आप अंधेरे में इस वक्त आ रही हैं, इधर आ जाएं आप, क्योंकि आपकी बैग पे बहुत रोशनी का फ्लड है। ये आ गई, ये इसका गोल गप्पा जैसा जो क्या कहते हैं कुछ केक के, वो मुझे हमेशा इसके अंसी का गोल गप्पा मेरे कानों में गूंजता रहा है, पहले भी अब भी गूंजेगा इंशाल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह इसे दे, अपने बच्चे की अपने सिर के साई के साथ ही इसी तरह अल्लाह पाक मेरे लिए भी यही। मैं खुद दुआ करती हूँ अपने रब के आगे कि माल खुशियाँ दी हैं, खुशियाँ देना, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, जिंदगी सलामती के साथ। बहन मांग रही है, सदा अपनी फैमिली के साथ, माशाल्लाह अल्लाह ने एक ही बेटा दिया हुआ है, अल्लाह उसकी जिंदगी करे। आमीन आमीन। अब हमारी बेटी जा रही है, जारी बात है जी, हम बहू नहीं कहते, बेटी बना के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला वो जाए खुशियों के साथ, उनके साथ रहे, तो बस हम भी खुश और ये भी खुश। जवाद, आपने कपड़े तो बदले नहीं है, और बाजी कह रही थी अभी फिट हो गए जाएगा। सब कपड़े पकड़ ला, कपड़े थूक गए हैं, कपड़े ले आ फटाफट, कपड़े हम अंदर बैग में रख दें, क्योंकि मुझे एकदम याद आ गया मेरी बहन ने जो है ना जो सूट मैंने रात को पहना हुआ था, उसने कहा ये भी मैं धुला के तुम्हें भेजूंगी। हाँ, तो वो सूख भी गया है फटाफट, इसने स्पिन कर दिया ना, तो वो जब धूप में आया तो फटाफट सूख गया, तो अब मैं उसको पैक करती हूँ। जवाब ले आया कपड़े, हाँ जवाब ले आया। ये देखें जी, ये जो सूट अभी इनका सूख के बाहर से जवाद लाया है, उसको बैग में रखा जा रहा है। बैग के साथ बहुत ज्यादती है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कपड़े जो है ठूंस ठूंस के उसको भरा है। इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा बड़ा बैग लेके इधर आया करें, इन्हें पता है भी मोहब्बतों के तोहफे भी साथ जाने होते हैं। ये जी जवाद जी हमारा बच्चा है, हमारे घर में ही रहता है, बड़ी अच्छी कुकिंग करता है और सारे काम बहुत अच्छे करता है। तो देख रहे हैं आप इनको, ये अपनी चीज़ें ठूंस रही हैं, तो अभी इसको ये पैक कर रही हैं। ये ज़िप लगने लग गई है जी, लग जाएगी ज़िप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो आपको बोले वो करेगा इस तरफ से। ये देखा जी, जिप के साथ जोर आजमाई हो रही थी, लागी गई जी जिप, और ये इनका सामान पैक हो गया। ये क्या निकाल दिया है? ये मैं था हाथ में फिर पकड़ के ले जा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी, गुड हो गया, गुड हो गया। ये जवाब रखने लगा सामान, आप जरा इसको भी ले लें वीडियो में, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए कि जेना जी जा रही है। जवाब बेटा देखे अपने साहब निकल गए, साहब चले गए, ठीक है बेटा, सही है बच्चे, आप चले आप चले आप। ये रखती है सामान, हाँ ये भी रख, ये भी रख दो, ये भी रख, चलो ठीक, चल। हम व्यूवर्स, हम अब जाने की तैयारी में हैं बिल्कुल, और अनिका का इंतजार हो रहा है ना, सामान के बाद में रख दिया गाड़ी में। हाँ खैर से पहुंचे हम लाहौर में, यही दुआ है अल्लाह ताला रास्ते में।
अनिका ऊपर गई हुई है जी, आ जाती है। चलो पता तो उससे भी है। तो जी इस घर को भी प्यारे प्यारे घर को प्यारे प्यारे लोगों समेत अलविदा कहते हैं। इंशाल्लाह ताला जब फिर वापसी होती है जिंदगी रही तो फिर चलते हैं। आ गई है अनिका। आज भी चिटकनियां लगा रही है, बंद कर रही है। कह रहे चाबी घर पे है ना, घर पे है चाबी। कौन सी चाबी बोलो, ये ताला लगाना है ना। चलिए भजन आप भी बैठे। अच्छा लो जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय। आ जाओ मैंने कहा मैं तो बैठूं गाड़ी में, बाकी जो है ये हमारी बहन का घर है। चलो जी हम तो बैठे मैंने कहा गाड़ी में जी, जी, सही। ये जो वीडियो का मालिया खोलिया है ना, ये बहुत बुरा है। ये हम हर चीज ले रहे होते हैं, एकदम गाड़ी में बैठ गए हैं, जाने की तैयारी में है। और मिठी भाई बड़े पंक्चुअल है, वो कहते हैं कि लेट ना हो जाए हम, तो वो तैयार होके माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने भी लाइट सा येलो शर्ट पहनी हुई है, बड़ी सूट कर रही है भाई आपको। थैंक यू, शुक्रिया। उन बारिशों के बाद इंशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। ये डिफेंस ही हमने कर रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूं, रोज इधर ही फिरते थे। ये वही रोड है जहाँ पे हम रोज फिर रहे थे आप। रोज फिर रहे इंशाल्लाह फिर खैरियत से आएंगे सब भाई के सब साथ मिलके, इन्हीं रोड्स के ऊपर फिरा करेंगे इंशाल्लाह, खूब एंजॉय किया करेंगे और अपने व्यूअर्स को भी साथ साथ लेके फिरेंगे इंशाल्लाह। देखा कितनी अच्छी दुआएं करती है मेरी बहन। ये जो है ना गुड़िया पटोला है, ये पटोला है छोटा हमारा। आपने करनी नहीं शुरू कर दी, मैं जा रही हूँ तो आपने बातें ऐसी करनी शुरू कर दी हैं, दिल लगी वाली। हम तो शुरू से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्यों मिठी भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्होंने जाते ऐसे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं माशाल्लाह, इनके जेन से निकल रहे हैं ख्यालात उबल उबल के, क्योंकि हम यही कुछ करते रहे हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह खुशियां बरकरार रखे। परवरदिगार यही बस हुआ है, अल्लाह मियां से रब्बुल आमीन। खैर से जब भी मिले हंसते खेलते कहके लगाते, जियो की सलामती के साथ। मौसम में आए हैं, मैं जब अकेली हूँ तो मैं जैसे पिछले साल भी मैं इधर से लाहौर गई थी, याद है ना, बिल्कुल यही दिन थे। हमारा इस्लाम सबको बहुत है, जरूर 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 जरूर। आपका तो इतना अच्छे लफ्जों में जिक्र होता है ना जब भी होता है। माजबीन का भी वो भी बहुत अच्छी है हमारी बहन भी, लेकिन जो हम कैंट एरिया से गुजर रहे हैं अयूबिया पार्क जो है वो हमने क्रॉस कर लिया है। और ये पहले जो था ये भी सेंट्रल जेल थी मेरा ख्याल है रावलपिंडी की, और अब इसको भी बाग बना दिया गया है और इसका मलिया मेट कर दिया गया है कि निशान ही ना रहे जाने वाले का। आपको पता ही है मैं किसका जिक्र करना चाह रही हूँ। ताजे बरतानिया के मुहाफिज और अपनी कौम के दुश्मन, बिल्कुल सी एम एच हॉस्पिटल है रावलपिंडी का, बहुत बड़ा कहते हैं हॉस्पिटल है। हम भी एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि असद के जो है ना फूफा थे उनके अंकल, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी तो यहाँ हम आए थे। उस वक्त हम इस्लामाबाद रहते थे। ये है ना रास्ता,
एक गेट ये था, हाँ ये देखें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH। ये नई बिल्डिंग्स बन रही है। आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं ओके मेरी जान, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं, जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ये देखें हम आ गए इधर, इस वक्त बसों पे बस की आ रहे हैं लाहौर के लिए इंशाल्लाह ताला। लाहौर जाना है, पता नहीं किधर गई है खानी, वहाँ से मेन मेरा बैग लेके आई है फिर चली गई। टिकट ले रही है आप सीट नंबर 12। कितने पैसे हैं? यहाँ से आग पे उतरे हैं, ये उसके वॉशरूम है देखें, ये शुक्र है कुछ साफ सुथरे हैं। ये सियाल है, हमारी बात ही ना चली जाए। देखें ये 15 मिनट के लिए रुकती है यहाँ, ताकि लोग उतर के हाथ मुँह धो लें, को वजू कर लें, वो कुछ करना चाहें तो कर लें। मैंने यहाँ से वजू किया है, बाथरूम में गई हूँ, कुछ किया है। अब यहाँ मैंने कहा थोड़ा सी वीडियो बना लो इधर से। मैंने रावी का पुल क्रॉस किया और अब हम उधर जा रहे हैं मोटर बेसिन ठोकर की तरफ, और ठोकर ही मैंने उतरना है तो इंशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर करी से हम लाहौर पहुंच गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं हमारा ये जो लाहौर पाकिस्तान इस्लामाबाद इस सफ़र में आप हमारे साथ साथ हैं, और यकीनन आप मेरा व्लॉग पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। तो अभी मैं उतरती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। लाहौर उतर गए मोटर वे के बिल्कुल करीब हैं, मोटर वे से उतर आए हैं। ठोकर ने आज देखते हैं इस वक्त हम देखा।